हाय गाइस, मिदुल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे मैथ क्लास 8। इसमें दिया है परिमेय संख्याओं में गुणन के परगुण। मतलब क्या, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। मतलब क्या, वहाँ पर मतलब परगुण जो था उसमें आपको योगफल था, यानी योग वाला सिस्टम था। तो इसमें क्या दिया आपका, गुणनफल, ठीक है, यानी गुणन के परगुण, ठीक है। तो इसमें दिया फर्स्ट गुण है संवरक परगुण। संवरक परगुण जो होता है, इसके बारे में ध्यान सुनिए। मतलब क्या दिया, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदा एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती है, माना a बाई बी तथा c बाई डी दो परिमेय संख्या हैं, तो a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी इक्वल a, कोष्ठक में क्या लिखा है आपका, a मल्टीप्लाई c अपान क्या हो जाएगा, b बाई डी, ब्रैकेट यानी कोष्ठक बंद है, परिमेय संख्या होंगी। मतलब क्या, अगर इसमें दिया आपको एग्जांपल देखिए, 5/6 व -7/9 दो परिमेय संख्या हैं। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इसी रख दीजिए आपका a बाई बी हो गया या c बाई डी, तो मतलब क्या 5 बाई क्या आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर दिया मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और c बाई डी का मान क्या दिया आपका -7 अपान क्या हो जाएगा आपका 9, तो हो जाएगा। देखिए इसमें कोई कटने ला तो काट दीजिए, नहीं कटने ला तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हैं क्या, कोई नंबर से नहीं कटना, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 5/7 क्या हो जाएगा 35, माइनस में हो जाएगा 6/9 54 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका दिया सेकेंड गुण, तो गुण 2 क्रम विनिमय परगुण। अनुक्रम विनिमय परगुण क्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल सदैव समान रहता है। मतलब किसी भी, मतलब अगर वो नंबर्स को इधर उधर करके हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा उसमें, मतलब जो भी आंसर आएगा वो समान आएगा। जैसे दिया माना a बाई बी व c बाई डी दो परिमेय संख्या हैं, तो a बाई बी कोष्ठक में दिया है गुणे c बाई डी बराबर क्या आ जाएगा आपका c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी, चाहे ऐसे करके लगाइए चाहे इधर करके, ठीक है। a बाई बी इधर कर लीजिए मल्टीप्लाई c बाई डी, यहाँ पर एक तरफ क्या करें c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी, ऐसे करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा आंसर जो भी आएगा समान आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया -7/11 तथा 5/13 दो परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं पहले LHS लगाते हैं। इसमें LHS मतलब दिया आपका a बाई बी गुणे सी बाई डी, ये आपका दिया। इसमें हम क्या करेंगे, ए बाई बी का मान ये है आपका -7/ क्या आ जाएगा आपका 11, और सी बाई डी का मान क्या रही आपका गुड़े 5/ आपका 13 हो जाएगा। इसमें देखिए कोई नंबर्स कटने तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 7/5 क्या हो जाएगा आपका 35, नीचे आपका गुड़ा मतलब क्या करेगा 11 का गुड़ा 13 में करेंगे आपका हो जाएगा 143, ये हो गया। मतलब क्या, आपका LHS इतना हो गया। अब फिर देखते हैं RHS, तो RHS किसे लगाएंगे, जिसे मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष कहा जाता, ठीक है। तो RHS मतलब क्या था, राइट हैंड साइड, और LHS मतलब होता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C बाई डी इसका मान लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A बाई बी, तो ऐसे क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे A बाई C बाई डी का मान क्या रही आपका -5/13 गुड़े, और a बाई बी का मान दिया आपका -7/ क्या हो जाएगा आपका 11, तो 5/7 क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा 35, किस में आएगा माइनस में, और नीचे क्या है 13 का गुणा 11 में करेंगे आपको हो जाएगा 143। मतलब क्या, हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया LHS इसका टू RHS, मतलब क्या दोनों तरफ बराबर, यानी किसी भी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें क्या होगा आपका बराबर आएगा। नेक्स्ट नंबर दिया आपका परगुण, परगुण 3 अब आपको बताएंगे प्रगुण नंबर 3 उसमें क्या आपको होता है, ठीक है। अभी तक आप दो प्रगुण पढ़ चुके हैं, आपको ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आपको लगाना रहेगा। तो प्रगुण के हिसाब से आप, अगर प्रगुण आपको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको मतलब क्वेश्चन करने में आपको इजी हो जाएगा। आपको बता दें प्रगुण नंबर आपका 3, तो प्रगुण आपका 3 दिया है साचर परगुण। साचर परगुण आपका क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं, तो साचर परगुण होता है इसमें आपको 3 और
अधिक परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में गुणा करने पर सदैव गुणनफल गुणनफल सदैव समान रहता है। ये हो गया। इसमें आपको मतलब क्या है, किसी भी दशा में आप किसी भी मतलब इसमें तीन पद मिलेगा, इसमें दिया है सहचर परगुण, तो तीन और अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में गुणा करने पर गुणनफल सदैव समान रहता है। मतलब क्या, इसमें आपको तीन पद दिया जाएगा जिसमें क्या आप उसको किसी भी दशा में रखते हैं, किसी भी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपको मतलब सेम आंसर आएगा। इसमें जैसे मान लीजिए दिया है माना ए बाई बी कामा सी बाई डी तथा ई बाई एफ तीन परिमेय संख्या हैं। जैसे दिया आपका एग्जाम्पल देखिए, कोई भी नंबर्स मान लीजिए, जैसे आपका दिया है -5/9 और 1/3 व 2/11 यानी 2/11 तीन परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ए आपका नंबर्स दिया है, मतलब इसमें जैसे मान लीजिए ए बाई बी दिया है, सी बाई डी दिया, ई बाई एफ, ऐसे मान लीजिए तीन परिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपको इसका रूल होता है, जैसे मान लीजिए ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी ए हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई ई बाई एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आपको ऐसे नंबर दिया जाएगा, जैसे जो भी है इस रूल से क्या करना हमें फॉलो करना है, एल एच एस हो गया, मतलब एक नंबर हो जाएगा आपका एल एच एस और एक हो जाएगा आपका आर एच एस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको ये परिमेय संख्या तीन परिमेय संख्या मिल गया, हमें क्या आपका एल एच एस से लगाएंगे तो आपका एल एच एस हो जाएगा ए बाई बी सी बाई डी और मल्टीप्लाई ई बाई एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी का मान हो गया, सी बाई डी का मान हो गया, ई बाई एफ का मान हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे, पुट करने का मतलब होता है उसमें रख लेंगे, ए बाई बी का मान क्या रही आपका -5/9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई एक कोष्टक में तो कोष्टक में कर लीजिए, फिर क्या सी बाई डी है तो 1/ क्या इसका मान दिया 1/3 यानी 1/3 गुणे ई बाई एफ का मान क्या दिया आपका 2/11। तो क्या करेंगे, नंबर्स को गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए क्या कोई नंबर्स इधर कटने लगा, त्रियक मतलब काटा जाता है, इसमें कटने लगा नहीं है, तो क्या करेंगे 5/1 जा क्या यानी 5 करने क्या आ जाएगा 5 इसमें आएगा माइनस में, नतरिक क्या आ जाएगा आपका 27 गुणे 2/ आपका 11 हो जाएगा। इसमें भी देखिए कोई नंबर्स कटने वाला नहीं कटने वाला, तो क्या करेंगे इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 आपका हो जाएगा 10 किसमें आएगा -10 और 27 का गुणा क्या करेंगे 11 में कर लेंगे, तो आपका 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 297 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपका इसमें दिया, अब आर एच एस से लगाइए, आर एच एस आपका इसमें दिया है ए बाई बी मल्टीप्लाई कोष्टक में दिया सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है, तो ए बाई बी का मान ए क्या दिया आपका -5/9 मल्टीप्लाई, फिर कोष्टक है तो कोष्टक लगा लीजिए, सी बाई डी का मान क्या दिया आपका 1/3 मल्टीप्लाई ई बाई एफ का मान दिया आपका 2/11 एंड 2/ क्या हो जाएगा आपका 11। अब क्या करेंगे,
माइनस पाँच बट्टे ऐसे तो जो भी है ऐसे लिख लेंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या इसमें कोई कटने नंबर्स नहीं कटने वाला, तो क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो करने क्या हो जाएगा आपका दो, और ग्यारह तीन आपका हो जाएगा तैंतीस। फिर क्या करेंगे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पाँच दून आपका हो जाएगा दस, किस में आएगा माइनस दस, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस आ गया। फिर क्या करेंगे ये नौ का गुणा तैंतीस में करेंगे, आपका हो जाएगा दो सौ संतानवे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें देखिए आपका एल एच एस इसका टू क्या हो गया आर एच एस, मतलब दोनों तरफ क्या होगा आपका बराबर, मतलब किसी भी दशा में किसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारा बराबर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका परगुण दिया, परगुण नंबर फोर, तो आप लोग परगुण को इसको अच्छे तरह से पढ़िए और ताकि आप लोग को क्वेश्चन लगाने में इजी हो जाएगा। अगर परगुण नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको कठिन लगेगा, मतलब समझ नहीं आएगा कैसे लगेगा इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो इसलिए आपको मतलब जो भी बताया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, ठीक है। तो परगुण नंबर आपका फोर दिया है, इसमें परगुण नंबर फोर दिया आपका गुणात्मक प्रतिलोम दिया है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसका रूल होता है प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या a by b का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, और b बाई क्या जाएगा a, जैसे आपका दिया क्या a बाई बी दिया, तो इसका योगात्मक मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा a बाई बी रहेगा, तो क्या जाएगा आपका b बाई a हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि a बाई बी मल्टीप्लाई b बाई a बराबर क्या होता है इसमें एक होता है, ठीक है। इसमें मतलब क्या a बाई बी है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका b बाई a। अगर इन नंबर्स को काटेंगे तो क्या होगा आपका आएगा एक ही आएगा, ठीक है। आंसर जैसे देख लिया आपको कोई एग्जांपल दिया है, जैसे आपका एक नंबर एग्जांपल दिया इसमें, तो माइनस सात बट्टे ग्यारह का गुणात्मक प्रतिलोम आपका देखिए माइनस सात बटे ग्यारह दिया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा मतलब क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए माइनस सात बटे ग्यारह, तो क्या हो जाएगा आपका ग्यारह बट्टे माइनस सात, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर दिया आपका परगुण नंबर फाइव, एंड जो भी गुण दिया है गुण नंबर क्या हो जाएगा आपका फाइव, तो इसमें इसका रूल होता अलग, तो इसमें दिया है गुणात्मक तत्समक, इसका रूल होता है आपका किसी भी परिमेय संख्या व एक का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है जैसे माना a बाई बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपका दिया क्या मतलब गुणात्मक तत्समक
मतलब ये परगुण दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका रूल होता है किसी भी परिमेय संख्या व एक का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है, जैसे माना a बाई बी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो मतलब आपको एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, आपका एग्जांपल दिया, इसमें देखिए जैसे इसमें भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए a बाई बी है, इसमें किसी भी मतलब क्या है, एक से मल्टीप्लाई करने के में क्या आ जाए आपका मल्टीप्लाई वन बराबर क्या हो जाएगा, उसमें कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका a बट्टे b हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल आपका दिया, जैसे मान लीजिए माइनस सात बट्टे पंद्रह एक परिमेय संख्या है, क्या इसमें माइनस सात बट्टे पंद्रह में एक से गुणा करते हैं तो क्या आपका मान प्राप्त होगा, मतलब कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा, जो मान दिया रहेगा बस वही मान क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस सात बट्टे क्या हो जाएगा पंद्रह, क्योंकि एक का गुणा इसमें करेंगे क्या आपका कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आपका गुण दिया है, गुण नंबर सिक्स है, गुण नंबर आपको सिक्स बता रहे हैं, इसमें गुण टोटल आपका सेवन है मानी सात है। तो सातों गुण को क्या करेंगे हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लेंगे ताकि मुझे क्वेश्चन को लगाने में क्या हो जाएगा आपको इजी हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपको बताते हैं गुण नंबर आपका सिक्स है, तो गुण नंबर आपका सिक्स क्या है, इसमें दिया है, दिया शून्य, शून्य से गुणा, मतलब किसी भी संख्या में क्या करेंगे मतलब शून्य से गुणा, तो इसका मतलब इसका रूल क्या होता है, तो रूल आपको बता देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या व जीरो का गुणनफल जीरो ही होता है, मतलब क्या किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारा मान जीरो ही होता है, इसमें शून्य से गुणा मतलब इसका रूल होता है किसी भी परिमेय संख्या व जीरो यानी शून्य का गुणनफल शून्य ही होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दिया है, जैसे देख लीजिए, दिया आपका पंद्रह बट्टे सैंतीस, ये क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या ये पंद्रह बट्टे मतलब सैंतीस दिया है, इसमें परिमेय संख्या है, अगर हम क्या पंद्रह बट्टे सैंतीस में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा आपका मान जीरो ही आएगा, किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है आपका जीरो ही होता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट नंबर दिया, लास्ट पर गुण दिया है, जो गुण सेवेंथ, तो सेवेंथ दिया इसका, इसके बारे में बताएंगे आपको, तो दिया है इसका गुणन पर योग का वितरण नियम, ये लास्ट आपका रूल दिया है, मतलब क्या गुणन पर योग का वितरण नियम, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसका रूल होता है, माना a बाई बी कामा c बाई डी तथा e बाई आपका f तीन परिमेय संख्याएं हैं आपका एरिया, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी प्लस e बाई एफ कोष्टक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है इक्वल यानी बराबर a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी कोष्टक बन, फिर प्लस करके दिया है a बाई बी उसका मल्टीप्लाई ई बाई एफ दिया, ठीक है। अब इस रूल को क्या करेंगे, इस रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको मतलब इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल दिया आपका
एग्जाम्पल दिया है एक बट्टे तीन माइनस में ठीक है कामा एक बट्टे छः व छः बट्टे बारह दिया है ये क्या है तीन परिमेय संख्याएं ने हैं ठीक है आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ठीक है। तो क्या करेंगे हमें पहले तो LHS लगाएंगे ठीक है। तो आपका LHS क्या आपके दिया है a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। क्या करेंगे a बाई बी का मान क्या दिया 1 बाई थ्री किस में है माइनस में ठीक है। मल्टीप्लाई c बाई डी का मान क्या दिया आपका c माई सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ कोष्टक नहीं रहेगा यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक ठीक है 1 बाई माइनस 1 बाई थ्री हो जाएगा और कोष्टक में लगा लेंगे ऐसे c बाई डी का मान क्या दिया आपका 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा और e बाई एफ का मान क्या दिया 6 बाई 12। अब क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो आपका हो जाएगा देखिए 1 बाई माइनस 1 बाई 3 है 3 लिख लेंगे ठीक है 1 बाई 3 है तो 3 लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद क्या दिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे नीचे क्या हो जाएगा आपका 12 यानी 12 और इसमें 6 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12 तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए आपका हो जाएगा 2 धन इसमें 12 है तो इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे 6 है तो 6 से लिख लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माइनस 1/3 गुणे आपका 6 दो आपका हो जाएगा 8/ आपका 12। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए आपको ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा देखिए इसका मान हो जाएगा 8 करने क्या आ जाएगा आपका माइनस 8 हो जाएगा अब 12 आपका हो जाएगा 36 ये आपका 3 है ठीक है ये हो गया। अब RHS देखिए इसका RHS आपका दिया है a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी एक कोष्टक हो जाएगा फिर प्लस कोष्टक में a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई आपका एफ दिया है। अब क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे तो आपका a बाई बी का मान अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करेंगे RHS तो RHS आपका दिया है a बाई बी का मान आपका क्या है माइनस 1 बाई आपका 3 मल्टीप्लाई और c बाई डी का मान दिया आपका 1/6 1/6 लिख लेंगे ऐसे कोष्टक बंद कर लेंगे प्लस करेंगे और a बाई बी का मान क्या दिया आपका माइनस वन बाई थ्री मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और e बाई एफ का मान दिया ये आपका 6/12 तो 6/12। अब क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए इसमें कोई नंबर क्या इसमें कोई कटना नहीं कटना तो क्या हो जाएगा माइनस वन का गुणा माइनस वन में करेंगे आपका हो जाएगा माइनस वन बाई क्या हो जाएगा 6 त्रिज्या क्या हो जाएगा 18 यानी 18 3 छक्के क्या हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए देखिए यहाँ पर क्या कोई नंबर कटने वाला हाँ कटने वाला देखिए 3 करने 3 3 दुना आपका 6 हो जाएगा तो क्या करेंगे और कोई नंबर्स नहीं कटेगा ठीक है तो 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे आपका हो जाएगा माइनस 2/ क्या हो जाएगा नीचे आपका 12 क्योंकि यहाँ 1 एक बार कटा तो क्या करेंगे 12 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 12। अब इन नंबर्स को क्या करेंगे दोनों 18 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा 36 और नीचे देखिए 18 में 2 से गुणा करते हैं आपका 36 हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपको 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तो माइनस 2 करने क्या जाएगा आप 2 फिर प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब बीच में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 12 में 3 से अगर गुणा करते हैं आपका क्या हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा तो 3 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तभी आपका नीचे क्या हो जाएगा बराबर तो माइनस 3 का गुणा मतलब सॉरी आपको 3 का गुणा उसमें 2 में करें 3 दुना आपका हो जाएगा 6 किस में आएगा माइनस 6 ठीक है। अब क्या करेंगे ए माइनस 2 है प्लस है तो प्लस लगाएंगे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस ये हो जाएगा 6 नीचे क्या होगा 36 यानी 36। अब देखेंगे क्या दोनों माइनस में तो क्या करेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए 2 धन क्या हो जाएगा आपका 6 जब माइनस कॉमन लेंगे बीच में क्या हो जाएगा आपका प्लस तो नीचे 36 दिया 36 लिख लीजिए और क्या कहें 6 2 आपका हो जाएगा 8 माइनस 8 बट्टे क्या होगा आपका 36 क्या दोनों तरफ बराबर आ गया आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS हमारा दोनों तरफ क्या हो गया बराबर आ गया ठीक है।